और उसमें कीड़ा मिलने से सनसनी फैल गई। बताया गया कि नोएडा के सेक्टर 12 में रहने वाली एक महिला ने ऑनलाइन फूड ऐप से आइसक्रीम मंगवाई थी। ऑर्डर रिसीव होने के बाद जब उन्होंने आइसक्रीम का पैकेट खोला तो उसमें कीड़ा दिखाई दिया। इसके बाद महिला ने ऑनलाइन फूड ऐप से इसकी शिकायत की तो उनका पैसा रिफंड कर दिया गया, लेकिन आइसक्रीम कंपनी की तरफ से अभी तक महिला के पास कोई रिप्लाई नहीं आया। दो दिन पहले मुंबई से भी कुछ इसी तरीके का मामला सामने आया था, जहां ऑनलाइन मंगवाई गई आइसक्रीम में इंसान की उंगली का टुकड़ा मिला था, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। तो ये देखिए, आजकल अगर आप कोई भी चीज ऑनलाइन मंगवाते हैं तो आप उस पर बिल्कुल भी आंख बंद करके भरोसा मत करिए, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं लगातार आ रही हैं ऑनलाइन। खासतौर पर जो आइसक्रीम आ रही है उसमें कीड़े मकोड़े मिलने का मामला बहुत पहले से सामने आ रहा है, लेकिन अब सोशल मीडिया के ज़माने में खबरें तेज़ी से फैल रही हैं। और देखिए, जहां पर कनखजूरा मिलने का मामला आइसक्रीम में सामने आया है। 26 मिनट में ब्लैंकेट से सामान मंगाया था, जिसमें कि मैंने आइसक्रीम भी मंगाया था। तो जैसे ही मैंने बॉक्स ओपन किया, मैं जो है ढक्कन पे मुझे धागा सा, पहले जो धागा सा दिख रहा था, बाद में मैंने जब देखा तो वो कनखजूरा कीड़ा निकला, जिसकी जानकारी मैंने ब्लैंकेट में मैसेज करके दी थी और ब्लैंकेट ने मुझे रिफंड भी दिया था, पर आश्वासन भी दिलाया था उन्होंने कि अमूल की तरफ से हम लोगों ने मेल कर दिया है, अपनी तरफ से अमूल की तरफ से आपको या तो कॉल या मैसेज आएगा, बट अभी तक मेरे पास अमूल की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और इससे पहले आइसक्रीम में इंसान की उंगली पाई गई थी। मुंबई के एक डॉक्टर ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था आइसक्रीम, और आज नोएडा से वैसी ही खबर सामने आई है, जहां पर आइसक्रीम से कनखजूरा निकला है। तो ये दो तस्वीरें देखिए, जहां एक तरफ आइसक्रीम में कनखजूरा निकला तो दूसरी तरफ बहुत ही बड़ी ये घटना थी, जहां पर एक इंसानी उंगली आइसक्रीम में पाई गई थी। और जब इसकी शिकायत की गई तो उसके बाद जो खाद्य विभाग है, पुलिस टीम है, अलर्ट हो गई और जांच का दावा किया गया। लेकिन जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही, खाद्य पदार्थों में जहरीले कीड़े मकोड़े या इंसान की उंगली अगर मिलती है तो वाकई में हैरान करने वाला पूरा घटनाक्रम है। बाहर का कोई भी सामान आप मंगवाएं तो उसको एक बार ज़रूर अच्छे से देखो, उसके बाद ही उसका सेवन करें। और एक और चौंकाने वाली खबर है। दरअसल लखनऊ में सैलून में थूक लगाकर फेस मसाज का वीडियो वायरल हुआ है। मसाज करने वाले का नाम है जैद, जो थूक लगाकर फेस मसाज करता दिखाई दे रहा है। मसाज करवाने वाले शख्स को जब शक हुआ तो उसने सैलून में लगा सीसीटीवी को चेक करवाया, जिसमें आरोपी थूक लगाकर मसाज करते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। थाना सुशांत गोल्फ सिटी इलाके की घटना बताई गई है। और देखिए, इससे पहले शामली में भी एक ऐसा ही कुछ वीडियो सामने आया था, जिसमें सैलून कर्मी अमजद अपने ग्राहक को फेस मसाज दे रहा था और इस दौरान उसने भी हाथ पर थूक लगाकर मसाज करना शुरू कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। अब लखनऊ से ठीक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां सैलून में जैद नाम का एक नाई एक शख्स को थूक लगाकर उसको फेस मसाज दे रहा है। मुरैना में अवैध हथियार पर शिकंजा कसा गया। चार बंदूक के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। चार कारतूस के साथ कार भी जब्त कर ली गई। यूपी से खरीद कर लाया था हथियार, पुरानी रंजिश के चलते खरीदा था हथियार। पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो खबर मुरैना से आपको दे रहे हैं, जहां मुरैना में अवैध हथियार पर शिकंजा कसा गया। चार बंदूक के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। चार कारतूस के साथ कार भी जब्त कर ली गई। यूपी से खरीद कर हथियार लाया गया था और पुरानी रंजिश के चलते खरीदा था हथियार। पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दुर्ग में टॉयलेट में निकला सांप। जी हां, सांप निकलने से हड़कंप मच गया। टॉयलेट में सांप ने डेरा जमा रखा था और कड़ी मशक्कत के बाद इस सांप का रेस्क्यू किया जा सका। विवेकानंद कॉलोनी का यह पूरा मामला बताया गया है। बड़ी खबर आपको दुर्ग से दे रहे हैं, जहां दुर्ग में टॉयलेट में सांप निकलने का मामला सामने आया। सांप निकलने से हड़कंप मच गया। टॉयलेट में सांप ने डेरा जमा रखा था, कड़ी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया गया। विवेकानंद कॉलोनी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।
ईद से पहले देश भर में बकरों की जोरदार खरीदी हो रही है। भोपाल में भी बकरों के बाजार सज गए हैं। भोपाल में बड़ी तादाद में बकरों की खरीद हो रही है। यहाँ 50,000 से लेकर 7.5 लाख तक के बकरे बिक रहे हैं और इसी बीच एक बकरा भी यहाँ सुर्खियों में है। भोपाल के रेशम बाग नारियल खेड़ा में एक बकरे की बोली लगाई गई। बकरे का वजन 160 किलो से ज्यादा बताया जा रहा है। बकरे को 7,50,000 में बेचा गया। बताया जा रहा है कि पुणे के एक कारोबारी ने टोरंटो नाम के इस बकरे को 7.5 लाख रुपए में बेचा खरीदा है और 7.5 लाख रुपए में खरीदा था। और इसके अलावा तूफान नाम का बकरा 7 लाख में बिका। भोपाल में 1,000 रुपए से लेकर 15 लाख तक के बकरे दिखाई दिए। भोपाल के बकरा कारोबारियों के मुताबिक कश्मीरी बकरा सबसे महंगा बिकता है। फादर्स डे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में अपने पिताजी से आशीर्वाद लिया। उन्होंने पिता को नए कपड़े भेंट किए। पिता ने भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को दक्षिणा दी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सनातन धर्म में कुटुंब परंपरा दुनिया के लिए आदर्श। उसे फादर्स डे की पूरे देशवासी देशवासियों को सबको बधाई। ये हिंदू परंपरा में कुटुंब परंपरा परिवार परंपरा ये दुनिया के लिए अद्वितीय है। भारत की देन है। हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके एक तरह से नई ढांचे बलबूते पर अपनी संस्कृति को बढ़ाया है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। सर आपने सेवा भी करी उनकी है। पिता है तो उनका तो आशीर्वाद मिलेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। दुख होता है। बेटा एक है। Oh, my God.